में ही हम लोग यहाँ क्या बात किया, गारो का बात किया, और यहाँ पर क्या क्या बात किया, विंध्याचल, यहाँ पर ये नदी है नर्मदा नदी, यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ है, यहाँ पर पूरा पहाड़ है। तो ये जो विंध्याचल हम लोग देख रहे हैं और गारो देख रहे हैं, यहाँ पे जो पहाड़ है, ये दोनों रीजन में सबसे पहला राइस, चावल, सबसे पहले जो चावल स्टार्ट हुआ इंडियन सब कंटिनेंट में, वो जो भारतीय उपमहाद्वीप में, वो विंध्याचल और गारो नामक पहाड़ी के इलाकों में हुआ था। और राइस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, राइस के लिए क्या चाहिए, देखिए राइस उस समय लोगों को पता नहीं था, बट राइस के लिए क्या चाहिए, राइस के लिए वर्षा चाहिए, वर्षा, ये पानी बहुत ज़्यादा खोजता है। और हम लोग जानते हैं कि विंध्याचल वाला रीजन में यहाँ पानी का उपलब्धता ज़्यादा है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि गंगा रिवर में क्यों नहीं हुआ, तो गंगा रिवर उसमें इतना यहाँ पर झाड़ियाँ था, इतना पेड़ पौधा था, इतना सघन सघन था कि इन जगहों में इंटरवीन करना तो एकदम मुश्किल होता था। कुछ कुछ ऊंचाई जगह थे, जैसे विंध्याचल था, इसलिए लोग यहाँ पर बसे, क्योंकि ये ऊंचाई जगह था तो लोग यहाँ पे आसानी से बस गए। बट ये जो मैदानी क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा घना था, इतना ज़्यादा घना था, ये तो घना जब बुध का आना स्टार्ट हुआ, तब जा करके ये रीजन जो है वो, ये जब जब महाजनपद बने, तब जा करके ये जो है वो रीजन जो है वो खत्म होना, वैदिक पीरियड में ये जो रीजन है वो खत्म हुआ, ये रीजन जो है धीरे धीरे खत्म हुआ, धीरे धीरे पेड़ पौधा घटते गए, घटते गए, काटते गए, लोग घटते गए और ये कम गया। बट इन द रीजन ऑफ विंध्याचल, इट इज एट द हाई पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ एंड अवेलेबल ऑफ द वाटर मेक मोर यूजेबल प्लेस फॉर द पीपुल टू सस्टेन देयर लाइफ इन दिस प्लेस, बिकॉज एट दिस प्लेस दे फाइंड वाटर, दे फाइंड नंबर्स ऑफ ग्रास, दे फाइंड नंबर्स ऑफ फ्रूट्स, नंबर्स ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो राइस ग्रो हुआ, यही दोनों रीजन हुआ। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो सबसे पहला अनाज जो ग्रो होना स्टार्ट हुआ वो हुआ हुआ ये वाला रीजन हुआ। जैसे यहाँ पे क्या है, ये है पाकिस्तान, ये रीजन क्या है, पाकिस्तान है, ये रीजन क्या है, ये रीजन है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और जो ये अफगानिस्तान है उसके यहाँ पे एक बॉर्डर पे क्या है, एक पहाड़ी जिसका नाम है सुलेमान और किरथार पहाड़ी है, ये सुलेमान और किरथार पहाड़ी है ये। तो यही दोनों रीजन में क्या हुआ, सबसे पहले वीट और बार्ली जो जौ होता है वो सबसे पहले यही वाला रीजन में स्टार्ट हुआ। यानी अगर सबसे पहले जो अनाज पैदा हुआ था वो बार्ली यानी जौ और गेहूं था, जो लगभग आज से 8,000 साल पहले हुआ था, ठीक है, सुलेमान और किरथार वाला, सुलेमान और किरथार वाले रीजन में। तो ये चीज हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया कुछ लोग इंडिया कहते हैं, कुछ लोग भारत कहते हैं, ये कैसे, ये कौन नाम लिया, जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है वो यहाँ पे क्या है, इंडस रिवर, यहाँ क्या है, इंडस रिवर है। तो इंडस, ये जो नामकरण हुआ ये बहुत बाद हुआ है, लगभग 600 CE में, कॉमन एरा में, या AD कहा जाए उसको, एनो डोमिनी कहा जाए, इस वाले रीजन में इसका नामकरण हुआ है, जब यहाँ पे ईरानियन आना स्टार्ट किए, ग्रीक आना स्टार्ट किए, तब जा करके इस रीजन का नाम इंडिया रखा गया। इंडिया जो नाम रखा है वो इंडस रिवर के नाम पे रखा हुआ है, इंडस रिवर जो सिंधु रिवर है जो यहाँ पे बह रहा है उसी के नाम पे ये इंडिया रखा गया। क्यों, क्योंकि जब ईरान के लोग आए तो वो इंडस रिवर को भली भांति जानते थे, ग्रीक वाले जब आए तो इंडस रिवर को भली भांति जानते थे, तो उन्होंने कह दिया कि इंडस रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते हैं या जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को इंडिया कहा गया, यानी ईरानियन और ग्रीक लोगों ने इंडिया कहा। अगर हम बात करें भारत का, तो भारत, अगर हम बात करें कि भारत का नाम किसने कहा, तो जो भारत है वो ऋग्वेद, जो हमारा ऋग्वेद है उसमें भारत नाम मेंशन है, और इसमें कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट में जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को भारत कहा गया है, ठीक है। और हम अगर देखते हैं कि इसके बाद इसमें और क्या दिया गया है, इसमें सिंह, इसमें ये चीज़